आदमी पार्टी की सरकार बनेगी गुजरात के अंदर, तो हर गाय के रख रखाव के लिए हम लोग 40 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन के हिसाब से देंगे। काम करेगा, केजरीवाल की एंट्री हुई थी, क्या कुछ फायदा यहाँ होगा? फायदा 100% होगा। आपको पता है गुजरात मॉडल दिख रहा है ना आपको, रास्ते देख रहे हैं। अहमदाबाद से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर चले जाइए, पानी नहीं मिलता है, अभी तो झाड़ू ही चलेगा। जी हाँ भाइयों और बहनों, आपने बिल्कुल सही सुना है, गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 का बिल्कुल बच चुका, जिसके अंदर एबीपी न्यूज, टाइम्स नाव और फलौदी सट्टा बाजार ने अपने सर्वे आंकड़े जारी कर दिए। वही दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ अहमदाबाद में हुई एक सभा के, आम आदमी की सभा के बारे में। वही दोस्तों, आप आम आदमी पार्टी की सभा में भीड़ देख सकते हैं और लोगों को भी पता चल गया है कि अभी गुजरात में परिवर्तन लाना बेहद ही जरूरी है। वही दोस्तों, मैं दूसरी तरफ आपको बीजेपी पार्टी की अहमदाबाद में हुई सभा के बारे में भी बताऊंगा। देख सकते हैं कि पूरी की पूरी सभा खाली है। वही दोस्तों, एक के सीट पे एक भी आदमी नहीं है और जनता भी चाहती है कि अब की बार परिवर्तन हो। वही दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत पूछा गया कि अब की बार किसकी सरकार आएगी, तो लोगों ने कहा आम आदमी पार्टी की। वही दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा अरविंद केजरीवाल की 5 बड़ी घोषणाएं। वही दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि माता और बहनों के लिए बस एवं रेल यात्रा फ्री की दी जाएगी। वही दोस्तों, दूसरी बड़ी घोषणा यह है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि माता और बहनों के लिए 12,000 रुपये तक की राशि उनके खातों में जमा करवा दी जाएगी। और तीसरी बड़ी घोषणा यह है कि गायों के लंपी स्किन के बारे में, उनके क्षय रोग के बारे में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनके रखरखाव के लिए 40 रुपये प्रतिदिन देंगे। वही दोस्तों, आप बताऊंगा एक एक सीट के बारे में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जामनगर की जागनंबर कुल 5 सीटें हैं, 5 में से 3 आम आदमी पार्टी को और 2 बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आ रही है, और कांग्रेस पार्टी को 0 और अदर पार्टी को भी 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वही दोस्तों, अगली सीट दाहोद की बात करें तो दाहोद में कुल 6 सीटें हैं, 6 में से 2 आम आदमी पार्टी को और 4 कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही है, बीजेपी पार्टी को 0 सीट हासिल हुई है। वहीं दोस्तों, खेड़ा की कुल 6 सीटों पे बात करें तो 6 में से 2 आम आदमी पार्टी को, 3 बीजेपी को, 1 कांग्रेस को और 1 अदर पार्टी को मिलती नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, अगली सीट द्वारकाधीश की कुल 2 सीटों पे बात करें तो 2 की 2 बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी को 0 सीट। वहीं दोस्तों, अगली सीट बता दूं कि वलसाड़ में कुल 5 सीटें हैं, 5 में से 3 बीजेपी को, 2 आम आदमी पार्टी को, 0 कांग्रेस को और 0 अदर पार्टी को मिलती नजर आ रही है। वही दोस्तों, अगले सीट बात करें अमरेली की कुल 5 सीटों पे बात करें तो 5 में से 4 आम आदमी पार्टी को, 1 बीजेपी को, 0 कांग्रेस को और 0 अदर पार्टी को मिलती नजर आ रही है। वही दोस्तों, अगले सीट बात करें कच्छ की कुल 6 सीटों पर, 6 में से 1 आम आदमी पार्टी को, 3 बीजेपी को, 2 कांग्रेस को और 0 अदर पार्टी को मिलती नजर आ रही है दोस्तों। वही दोस्तों, अगली सीट बात करें जूनागढ़ की कुल 5 सीटों पर, 5 में से 4 आम आदमी पार्टी को, 1 बीजेपी को, 0 कांग्रेस को और 0 अदर पार्टी को मिलती नजर आ रही है रिपब्लिक सर्वे के अनुसार। वही दोस्तों, अगले सीट वडोदरा है, वडोदरा की कुल 10 सीटों पर बात करें तो 3 आम आदमी पार्टी को, 5 बीजेपी को, 1 कांग्रेस को और 1 अदर पार्टी को मिलती नजर आ रही है एबीपी न्यूज सर्वे के अनुसार। सूरत की कुल 16 सीटों पे बात करें तो 16 में से 15 आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका और 1 कांग्रेस पार्टी को, 0 को बीजेपी को और 0 ही अदर पार्टी को। वही दोस्तों, अगले सीट नवसारी की कुल 4 सीटों पे बात करें तो 4 में से 3 आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत। वही दोस्तों, 1 बीजेपी पार्टी को, 0 कांग्रेस को और 0 अदर पार्टी को मिलती नजर आ रही है। वही दोस्तों, बात करें अगले सीट सुरेंद्रनगर की कुल 5 सीटों पर तो 5 में से 2 आम आदमी पार्टी को, 2 बीजेपी को, 1 कांग्रेस को और 1 0 अदर पार्टी को मिलती नजर आ रही है रिपब्लिक भारत सर्वे के अनुसार। भरूच की कुल 5 सीटों पे बात करें तो 5 में से 3 आम आदमी पार्टी को, 2 कांग्रेस को, 0 अदर पार्टी को और 0 ही बीजेपी पार्टी को प्राप्त हुई है रिपब्लिक भारत सर्वे के अनुसार। अगली सीट बात करें मेहसाणा की कुल 7 सीटों पर तो 7 में से 3 आम आदमी पार्टी को, 3 बीजेपी को, 1 कांग्रेस को और 0 अदर पार्टी को मिलती नजर आ रही है फलौदी सट्टा बाजार सर्वे के अनुसार। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में सोमनाथ की कुल 4 सीटों पर बात करें तो 4 में से 2 आम आदमी पार्टी को, 1 बीजेपी को और 1 कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही है। वही दोस्तों, बात करें अगले सीट राजकोट की, राजकोट में कुल 5 सीटें हैं, 8 सीटें, 8 में से 5 आम आदमी पार्टी को, 1 कांग्रेस को और 1 अदर पार्टी को, कांग्रेस को बड़ा झटका, 0 सीट प्राप्त हुई है। भाई दोस्तों, अहमदाबाद की कुल, अहमदाबाद गुजरात की और सीट
21 सीटों की बात करें तो 21 में से 10 आम आदमी पार्टी को, 7 बीजेपी को, 3 कांग्रेस को और 1 अदर पार्टी को मिलती नजर आ रही है। भाई दोस्तों अगली सीट बात करें अरावली की, कुल 3 सीटों पर तो 3 में से 1 आम आदमी पार्टी को, 1 बीजेपी को, 1 कांग्रेस को और 0 अदर पार्टी को मिलती नजर आ रही है। सबसे बड़े सट्टा बाजार फलौदी सट्टा बाजार सर्वे के अनुसार। भाई दोस्तों बात करें गांधीनगर की, कुल 5 सीटों पर तो 5 में से 2 आम आदमी पार्टी को और 3 बीजेपी को मिलती नजर आ रही है। वैसे दोस्तों आप किस क्षेत्र से हमारे वीडियो को देख ले कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। भाई दोस्तों बनासकांठा की कुल 6 सीटों पे बात करें तो 6 में से 5 आम आदमी पार्टी को, 2 बीजेपी को, 2 कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।